कैश बैंक बुक, कैश बैंक बुक नॉर्मली उसे हम कैश बैंक कैश बुक ही कहते हैं, लेकिन कैश और बैंक भी नॉर्मली एक साथ एक ही किताब में लिखा जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशन उसे अलग अलग बुक्स भी लिख सकते हैं। कैश बैंक बुक में कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन रहता है, कैश और बैंक में जितने पेमेंट हुए और जितने कैश और बैंक में रुपया मिला उसकी एंट्री कैश बैंक बुक में होगी। कैश बैंक बुक में शुरू में पहला लाइन ओपनिंग बैलेंस, जो पैसा अपने हाथ में है बैंक में जो बैलेंस है या कैश में जो बैलेंस है वो आएगा। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शंस होंगे और उसके बाद में पीरियड के अंत में दिन या मंथ जैसा भी हो उसका बैलेंस होगा। कैश बैंक बुक डेली बैलेंसिंग की जा सकती है, सो हर दिन का ही बैलेंस होगा। कैश बैंक बुक एक बेसिक अकाउंट्स बुक है क्योंकि ओरिजिनल एंट्री जो भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बैंक बुक में लिखा जाता है। तो कैश बैंक बुक एक स्पेशल जर्नल कम लेजर बुक है, कंपोजिट बुक है। ये जर्नल इसलिए है कि इसमें ओरिजिनल एंट्री क्रोनोलॉजिकली डेट के हिसाब से लिखा जाता है। ये लेजर इसलिए है कि ये कैश बैंक बुक का लेजर है। लेजर में जैसे ओपनिंग बैलेंस रहता है, फिर ट्रांजैक्शन रहता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस रहता है, वैसे ही ये कैश या बैंक अकाउंट का लेजर है जिसमें पहले ओपनिंग बैलेंस होगा, फिर ट्रांजैक्शन है और अंत में क्लोजिंग बैलेंस भी। जर्नल बुक में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। कैश बैंक बुक डिस्प्ले करने के लिए मेन मेनू में डिस्प्ले, फिर अकाउंट बुक, फिर कैश बैंक बुक सिलेक्ट कीजिए। पहला स्क्रीन में कैश बैंक बुक नहीं मिलेगा आपको, पहले स्क्रीन में कैश बैंक समरी मिलेगी, टोटल डेबिट क्रेडिट। उससे ड्रिल डाउन करेंगे तो आपको मंथली बैलेंसेस आएंगे। कैश बैंक बुक में F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करने से कैश बैंक बुक समरी जो आपको दिख रही है उसे प्रिंट करने का ऑप्शंस मिलेगा। इसमें आप अपना ऑप्शंस अपने हिसाब से अपने अनुसार सेट कर सकते हैं।